प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन का काम करते हैं, मतलब ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। एक दो एग्जांपल से तो समझ लो कि एडजेक्टिव काम करते कैसे हैं। ये देखो तीन एग्जाम्पल्स हमने लिखे यहां पर। ही शॉट द फ्लाइंग बर्ड, द स्लीपिंग चाइल्ड रोल डाउन एंड वाइल डूइंग द वर्क ही फेल अस्लीप। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा ही शॉट द बर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड डिड ही शूट, ये बताने के लिए हमने फ्लाइंग लिख दिया। अब हमें पता है जो फ्लाइंग है ये शॉर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है बर्ड। अगर बर्ड ऑब्जेक्ट है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, तो अब हम इसे जेरंड नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो फ्लाइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने प्रेडिकेट लिखा रोल डाउन। अब ये जो रोल डाउन प्रेडिकेट है ना, इसका सब्जेक्ट स्लीपिंग नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है चाइल्ड, चाइल्ड रोल डाउन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड, तो ये हमने लिख दिया स्लीपिंग। तो स्लीपिंग चाइल्ड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब चूंकि डिस्क्रिप्शन हो गया तो अब इसे जेरंड नहीं, अब इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो वर्ब की एनजी फॉर्म्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में नाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। उसके बाद सी सेंटेंस देखो। सी सेंटेंस एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, ही फेल्ड अस्लीप, ही सब्जेक्ट है, फेल अस्लीप उसका प्रेडिकेट है। लेकिन हम देख रहे हैं उस सेंटेंस के अलावा हमने एक फ्रेज और लिख रखी है, वाइल डूइंग द वर्क। अभी जो वाइल डूइंग द वर्क हमने फ्रेज लिखी है, इसमें एक वर्ब भी लिखी है डूइंग। अभी डूइंग मेन वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती तो इसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग और लिखी होती। ये जो डूइंग हमने लिखे ना, है जेरेंड भी नहीं, क्योंकि अगर ये जेरेंड होता ना, तो किसी नाउन का मतलब नाउन के तरीके से यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किसी ना किसी का डिस्क्रिप्शन है, कोई पर्सन रहा होगा जो काम कर रहा होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसे लिख दिया। फिलहाल में देखें तो यहाँ पे काम करने वाला पर्सन ये ही है। तो ये जो वाइल डूइंग द फ्रेज वर्क हमने लिखे ना, ये पूरी फ्रेज उस ही को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई। ही है प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है फ्रेज, तो ये भी एडजेक्टिव हो गई। तो वाइल डूइंग द वर्क ही फेल अस्लीप। तो ये कुछ तरीके हो गए जिस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का सेंटेंस में यूज करते हैं। ये डूइंग, ये स्लीपिंग, वो फ्लाइंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। While taking rest, his chair tumbled. अब जैसे हमने ये लिख दिया, while taking rest, his chair tumbled. एक मिनट, ये अब हम कह रहे थे जब वो रेस्ट कर रहा था, उसकी चेयर लुढ़क गई या पलट गई, जो भी हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दे। अब यहाँ पे हमने एक पार्टिसिपल यूज कर लिया वाइल टेकिंग रेस्ट, कि कोई पर्सन रहा होगा जो रेस्ट कर रहा होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये लिख दिया। फिलहाल में अगर देखें तो यहाँ पे जो इसका रेफरेंस हमने लिख रखा ना, वो हिज चेयर है, ये जैसे यहाँ पे ही था।
अभी जो ही था ये तो चलो डू वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो चेयर है ये तो टेक रेस्ट वर्ब का डूअर नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब रेस्ट करने वाला पर्सन ही चेयर नहीं कोई और है। अगर कोई और है तो वो है कौन? अब इस सेंटेंस में तो कहीं लिखा नहीं कि वो कौन है, ठीक है। अच्छा लिखा नहीं तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नाउन को बिना एडजेक्टिव के यूज कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं यूज होते। तो अगर हम पार्टिसिपल लिख रहे हैं तो हमेशा ये बताना पड़ेगा कि पार्टिसिपल किसे रेफर करने के लिए। अब कम से कम ये पार्टिसिपल इस चेयर को तो रेफर करने के लिए है नहीं, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब इसको सही करने का हमारे पास एक ही तरीका है, या तो इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस लिखो जिसे रेफर करने के लिए, और नहीं तो इसको पार्टिसिपल को मेन वर्ब बना दो, जो भी डूअर हो वो साथ में लिख दो, व्हाइल ही वाज। अब देखो ये जो ही हमने लिखा ना वो इसे हिज के रेफरेंस से लिख दिया, तो हिज लिखा था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ही लिख दिया व्हाइल ही वाज टेकिंग रेस्ट। अब जब हम ये लिख देंगे व्हाइल ही वाज टेकिंग रेस्ट, तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ये टेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, अब ये टेकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब है। तो पार्टिसिपल जब भी यूज करोगे तो हमेशा ये बताना पड़ेगा वो पार्टिसिपल किसे रेफर करने के लिए है। अगर हमारे पास उनका रेफरेंस ना हो तो पार्टिसिपल्स गलत हो जाते हैं, उन्हें चेंज कर लिया करो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बींग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड, बींग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड। अब यहाँ पे हमने फिर से एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख दी, बींग लेजी, किसी ने किसी का डिस्क्रिप्शन है कोई रहा होगा लेजी, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए हमने फ्रेज लिख दी। फिलहाल में देखें तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस के लिए नाउन लिख रखा है वो है हिज बिजनेस, लेकिन हमें पता ही है रेफरेंस इसका हिज बिजनेस नहीं है, लेजी पर्सन होते हैं बिजनेस नहीं लेजी होता, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब क्या तरीका है यहाँ पे, जैसे हमने हिज बिजनेस लिखा तो इसी तरीके से हमें ही यहाँ भी यूज कर लेना चाहिए, लेकिन जो टेक थी ना ये एक्शन वर्ब थी, इसका तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने बना लिया, ये बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। तो अब जैसे हमने ये लिख दिया ना व्हाइल ही वाज टेकिंग रेस्ट, वैसे अगर हम लिखना चाहें व्हाइल ही वाज बीइंग लेजी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो इनके साथ सब्जेक्ट ऐसे ही टैग कर दो बिना कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए, तो हम इसको लिख देंगे ही बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड, ही बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड। तो जब भी हम कोई पार्टिसिपल यूज करेंगे तो हमेशा उसका हमें सब्जेक्ट और रेफरेंस लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट और रेफरेंस नहीं लिखा हो तो वो पार्टिसिपल गलत हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अब हमने लिखा व्हाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम, अब यहाँ पे हमने एक पार्टिसिपल लिख दिया व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और हमें पता है जो व्हाइल क्रॉसिंग द रोड पार्टिसिपल हमने लिखा ना ये कार का नहीं उस हिम का डिस्क्रिप्शन है। अब हम देख रहे हैं इसका भी हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत लिख दिया, अ कार, जिस तरीके से डूइंग टेकिंग रेस्ट का सब्जेक्ट चेयर नहीं हो सकती, बींग लेजी का सब्जेक्ट बिजनेस नहीं हो सकता, उसी तरीके से व्हाइल क्रॉसिंग द रोड का सब्जेक्ट जो है वो कार नहीं हो सकती, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। अब इसको सही करने का एक तरीका तो यही है कि व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड लिख दो, नहीं तो हम देखें ये जो हमने लिख रखा है ना व्हाइल क्रॉसिंग द रोड पार्टिसिपल, इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है ना वो हिम है, कार नहीं है। अच्छा कार हमने हिम को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर हम हिम को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये पार्टिसिपल सही हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का इंग्लिश में एक ही तरीका होता है, वॉइस चेंज कर दो, ही वॉज हिट बाय अ कार, ऐसे लिख दो ही वॉज हिट बाय अ कार, तो ये लो सही हो गया। अब जो हम ही वॉज हिट बाय अ कार लिखेंगे तो होगा क्या, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड जो हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है ना इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस ही हो जाएगा, और हमें पता अगर ही को रेफर करने के लिए फ्रेज लिखी जा रही है तब तो ठीक है, कार को रेफर करने के लिए लिख रहे हो तो गलत है। तो जब भी कोई पार्टिसिपल लिखोगे तो उसका हमेशा एक लॉजिकल सब्जेक्ट और रेफरेंस लिखना, अगर सब्जेक्ट और रेफरेंस नहीं लिखा होगा तो पार्टिसिपल्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग तरीके से सही कर सकते हैं, मान लो हमारे पेपर में क्वेश्चन आए कॉमन एरर में और यहाँ पे स्लैश यूज हो, यहाँ पर एक और एक इधर कहीं हो, तो हम ये पहले वाला पार्ट करेक्ट करेंगे व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ये लिखेंगे, लेकिन अगर ये स्लैश वहां पर ना हो यहां पर हो तो फिर हम बाद वाला ही करेक्शन करेंगे, तो हम उसको पैसिव बना देंगे, पैसिव बना देने से वो जो पर्सन है ना वो इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट और रेफरेंस बन जाएगा और हमारा मीनिंग सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल हिज लेग गॉट हर्ट,
वाइल वॉकिंग इन द पार्क डैश अ डॉग बिट हिम ही वॉज बिटन बाई अ डॉग ही बिट अ डॉग A dog was bitten by him. हरि ओम प्रभु। अब देखो जो सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा ना, इसमें हमने पार्टिसिपल यूज किया वाइल प्लेइंग फुटबॉल, और इस वाइल प्लेइंग फुटबॉल सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस होना के लिख दिया लेग। अब हमें पता है कि जो लेग है ना वो प्लेइंग फुटबॉल वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकते, सब्जेक्ट इसका होगा पर्सन, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वो पर्सन लिखा भी नहीं, तो यहाँ पे वॉइस वॉइस चेंज करके भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि गॉट इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं, इनके पैसे नहीं बनते, तो अगर हम चाहें तो पैसे बना नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो हम वर्ब हम यूज कर रहे हैं ना इसको मेन वर्ब बनाओ और इसका डूअर इसके साथ लिखो, वाइल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे वाइल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल हिज लेग गॉट हर्ट। तो अगर हम कभी भी कोई पार्टिसिपल यूज करेंगे तो ये हमेशा बताना पड़ेगा वो किसे रेफर करने के लिए, अगर हम ये ना बता पाए वो किसे रेफर करने के लिए तो पार्टिसिपल्स गलत हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा एक पार्टिसिपल वाइल वॉकिंग इन द पार्क, अभी जो वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क हमने लिखा ना ये डिस्क्रिप्शन डॉग का नहीं मैन का है, तो अगर ये डिस्क्रिप्शन डॉग का है ही नहीं तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब हमें पता है कि ये दो जो हमारे पास ऑप्शन बच गए इनमें से ये सेंटेंस नॉनसेंस है क्योंकि कोई पर्सन जो है वो डॉग को बाइट करेगा नहीं, ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया ये आंसर। तो हम लिख देंगे वाइल्ड वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाई अ डॉग। ठीक, देखो Being very hot outside, they cancelled the trip. They remained out indoors, like that. They remained indoors. अब जैसे हमने लिखा being very hot outside, they remained indoors. अभी जो बींग वेरी हॉट आउटसाइड हमने लिखा ना ये डे का डिस्क्रिप्शन नहीं, ये डिस्क्रिप्शन है टेम्परेचर का, वेदर का। अब हमने पढ़ा कि टाइम डेट डे टेम्परेचर वेदर सीजन इनके लिए हमें इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे इट लिख दो, इट बींग वेरी हॉट। तो अगर हमें टाइम डेट डे टेम्परेचर वेदर सीजन डिस्टेंस इनमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट को रेफर करना हो तो उसके लिए इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखा करो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट बींग वेरी हॉट दे रिमेंड इनडोर्स। सेवन, देखो बींग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, बींग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, इल देखो लिख लेना, इल पता नहीं कहां रह गया। अभी जो हमने लिखा ना बींग सीरियसली इल दैट टुक हिम टू हॉस्पिटल, इसमें भी ये बींग सीरियसली इल जो है ना वो दे को रेफर नहीं कर रहा क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल लेकर गए इल वो नहीं, इल रहा होगा ये हिम। तो हमें पता है जो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस दे लिखा ना ये गलत लिख दिया क्योंकि ये फ्रेज उस दे को नहीं उस हिम को रेफर करने के लिए। तो अब हमारे पास सही करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो जैसे यहां पे इट लिखा था वैसे यहां पे ही लिख दो, ही बींग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल। दूसरा तरीका ये है कि उसको पैसे बना दो, बीच में कौन बोल रहा है इंग्लिश नहीं सबूर तो सीख लेते यार तुम, है? तो इसको लिख दो ही वॉज टेकन बाई देम,
ही वॉज टेकन बाई देम। तो या तो इसको लिखो ही बींग सीरियसली इल दे टुक हिम टू हॉस्पिटल, और नहीं तो इसका पैसे बना दोगे ना तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है ना ये पार्सल उसको रेफर करने के लिए ना कि सब्जेक्ट को। तो अगर ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए नहीं है तो पैसे बना के भी सही कर सकते हो। जब पूछो तब नानी मर गई, ठीक है, तब हमारे दिमाग में कुछ आएगा नहीं, और नहीं तो चोंच चलानी हो, बदतमीजी देनी हो तो बहुत आती है। अब कौन खैर हेडेक ले इतनी काहिल है। 8th क्वेश्चन देखो, जिनमें सऊर होगा वो वैसे ही सीख जाएंगे चाहे मैं सिखाऊं ना सिखाऊं, जिनमें नहीं सऊर है उन्हें वो भगवान ब्रह्मा जी खुद ही उतारे हैं, कोचिंग देने लग जाए खोलने ब्रह्मा कोचिंग सेंटर, उनका नहीं अकल सही गया आदमी उसको क्या सिखा लोगे, सऊर ही नहीं उसको। अगले क्वेश्चन देखो, बीइंग वेरी लेट दे मिस देयर ट्रेन, ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी लिख दो, बीइंग वेरी लेट दे कॉल्ड इट अ डे, दे कॉल्ड इट अ डे। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखे ना, बीइंग वेरी लेट दे मिस द ट्रेन, बीइंग वेरी लेट दे कॉल्ड इट अ डे, ठीक है ऐसे लिखा हमने, पता है एक बार यहाँ पर एक बार टेस्ट शुरू करवाए, और उसमें क्या करते थे जो बच्चे अच्छे नंबर लाते थे ना उनको प्राइज वगैरह भी देते थे, कैश प्राइज फलाना ढिमकाना, और वो टेस्ट मैं खुद बनाता था, मतलब मैं चाहता था कि वो लेवल के हों, टफ हों, ठीक है, तो मैं खुद उनमें से कुछ क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट के मैं अपने आप तैयार करता था। बच्चों ने क्या हरामखोरी शुरू कर दी, नकल करनी शुरू कर दी, इतना समझाते थे, 4-5 लोगों को क्लास में इसलिए छोड़ देते थे कि अपने आप तो कुछ में समझ नहीं होती तो उनके ऊपर थोड़ी सख्ती रखनी पड़ती है, तो वो धीरे धीरे सुधर जाते हैं, ठीक है, उनको ये महसूस करवाना पड़ता है कि वो गलत हैं तो फिर वो धीरे धीरे सुधरते हैं। लेकिन फिर इस दिमाग में उल्टा दी, मतलब उल्टी खोपड़ी इतनी तेज भागती होती है, सीधी थोड़ी चलती है, उन्हें दुनिया की तरकीबें ढूंढ ली नकल करने की, अच्छा गलती मेरे से थोड़ी सी हो गई, गलती मेरे से ही हो गई कि मैंने उसमें कैश प्राइज रख दिया, अच्छा कैश प्राइज की मेरी वजह थी, आई वॉन्टेड टू एनकरेज पीपल। देखो लैंग्वेज जो होती है ना, इंग्लिश एक ऐसी चीज है लोग इसका जितना टाइम बिताते हैं ना उतना सीखते हैं, इसमें कोई रूल नियम कानून नहीं होता, तुम एक रूल लेकर आओ मैं उसके 10 एक्सेप्शन तुम्हें बताऊंगा ऑन द स्पॉट जहां पे वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो चीजें वो क्लैरिटी लाने के लिए ना आदमी को टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश के साथ में या लैंग्वेज सीखने वालों के साथ में सबसे दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो दो रूल जान लेते हैं ना उन्हें लगता है चीजें हमारी क्लियर हो गई, अब फिर वो टाइम देना बंद कर देते हैं, कॉम्प्लेसेंट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है और सीखना उनका बंद हो जाता है। अच्छा जो नहीं सीख पाते उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो इतने डिस्करेज रहते हैं, उनको लगता है कि हम फॉर्मेलिटी भले ही कर लें लेकिन हमारा सीखना औकात में नहीं है, तो वो अपनी फीस जमा करेंगे सब नाटक करके दिखाएंगे लेकिन अंदर से हार माने बैठे, उन्हें पता हम सीख नहीं पाएंगे औकात नहीं है। अच्छा कुछ की दिक्कत क्या है कि उनके कर्म नहीं है, ठीक है उनके कर्म ऐसे नहीं कि वो कभी सीख पाए, तो गलती मेरे से हो गई, मैंने सोचा कि कैश प्राइज रखने से ना बच्चे एनकरेज होंगे, जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है अब फिर अच्छे नंबर लाएंगे तो उनको मतलब एक वो मिलेगा एनकरेजमेंट, फिर मुझे क्या पता था कि आजकल के बच्चे हैं हमारे टाइम के थोड़ी हैं, इनसे नकल करवा लो, उल्टी सीधी हरकतें करवा लो, ठीक है इनसे नेतागिरी करवा लो, इनसे चोंच लड़वा लो, पढ़ाई लिखाई में इनका दिमाग थोड़ी चलता है, खुराफात में सब चलता है, फिर मैंने बाद में बंदी कर दिया, मैंने सीखते सी कराओ, टाइम भी देना पड़ता था पेपर बनाने के लिए, 20-25 क्वेश्चन बनाने में भी कई बार पूरा दिन ही निकल जाता था, अब पहले पूरा सैटरडे मैंने 20 क्वेश्चन तैयार करने में खराब कर दिया, हालांकि उन 20 क्वेश्चन से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता था, वो 20 क्वेश्चन ऐसे होते थे वो उसी से होते थे जिसने पूरा सिलेबस समझ रखा है, नहीं तो वो होते नहीं, लेकिन फिर मैं सोचा इतनी कहा है डगलेरों से तो सुधरेंगे नहीं, फिर मैंने दूसरी कहानी शुरू कर दी अभी हाल फिलहाल में, अब देखता हूँ ये बदतमीजी है क्या है, सैटरडे वाली असक एक्टिविटीज, वो भी मैंने इसलिए शुरू कर दी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वास्तव में वो लर्नर होते हैं, वो ट्रू लर्नर होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, अब मुझे लगता है कि एक भी पर्सन अगर मुझे भरोसा करता है ना तो फिर मुझे उसे सिखाना चाहिए, और जो ढीठ है देखो उनको तो ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाते, तो मैं उनके साथ तो बिल्कुल सर मारना नहीं चाहता, ठीक है वो तो मेरे से दूर ही रहे तो उन्हें फायदा है, अपने 11,000 रुपया दें 3 महीना पूरा करें घर जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं वास्तव में वो सीख सकते हैं और वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून होता है, उनके पास साधन नहीं होते, तमीज होती है लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसा एक्टिविटी शुरू करते हैं, एक बार फिर से शुरू करते हैं देखते हैं क्या होता है।
तो ये जो सारे प्रोग्राम मैं बार बार लाता हूँ ना, ये इसलिए लाता हूँ कि सीखने वाले मिले, सीखने वाले मिले। लेकिन हमारे पास जो बच्चे सीखने आते हैं ना, उनका अल्टीरियर मोटिव होता है, वो सीखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, नंबर चाहिए, उनके अंदर सीखने की भूख नहीं है। सीखने की उनकी ये उम्र थोड़ी रही है, अब तो इस उम्र में वो घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि रोजगार चाहिए तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना उनकी चॉइस नहीं है, पढ़ना उनके बेचारों की मजबूरी है। नंबर नहीं आएंगे, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, दहेज नहीं मिलेगा, पूरा सीन ही खराब हो जाएगा। तो बेचारे इस चक्कर में पढ़ते हैं। अब जो इस चक्कर में पढ़ेगा, देखो वो तो हमारे जैसा टीचर उसके लिए बर्डन बन जाएगा, फिर मेरे जैसा पढ़ाने वाला पर्सन उसके लिए बर्डन हो जाएगा। मुझे तुम्हारे नंबर से कोई लेन देना थोड़ी होता है, मैं नंबर के लिए ना अपने बेटे को पढ़ाता, ना अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाता, ना मैं पढ़ता था, मैं नंबर के लिए कभी नहीं पढ़ा। बात समझ में आनी चाहिए, नंबर आए भाड़ में जाए। नंबर नहीं शो करेंगे अंकुल सिंह कौन है, अंकुल सिंह ही शो करेंगे कौन है। नंबर थोड़ी मुझे रिप्रेजेंट करता है कहीं पे, मैं क्या हूं ये मैं खुद प्रूव करूंगा, मेरे नंबर है, मेरी मार्कशीट नहीं प्रूव करेगी। ठीक है, मार्कशीट हमारी कोई खराब भी नहीं, बढ़िया मन से पढ़ते थे, बहुत अच्छे नंबर आते थे कॉलेज में, हर कोई जानता था। लेकिन मैं नंबर के लिए पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे नंबर से वास्तव में कोई लेन देना नहीं। ना मैं तुम्हारी कहीं फोटो लगाऊंगा, ना तुम्हारा रोल नंबर छापूंगा, ना तुम्हारी रैंक लिखूंगा, ना मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट लिखूंगा कि इसमें सिलेक्शन हो गया, तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, राष्ट्रपति बन जाओ, जाके अपने घर में रहो। ठीक है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बस 3 महीने मेरे साथ जो वो आराम से काट लो, उसके बाद तुम जाके आसमान में चकतिया लगा दो, चांद तारे तोड़ लाओ, वो तुम अपना माँ बाप को गाना जाके, मेरे को उससे लेना देना नहीं। मुझे केवल 3 महीनों से लेना देना होता जब तुम मेरे साथ हो। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम राष्ट्रपति बन जाओगे कि तुम कांस्टेबल बन जाओगे कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओगे, मुझे वास्तव में कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्यों नंबर के लिए पढ़ाऊंगा जब मुझे यूटिलाइज ही नहीं करना उन चीजों को। मुझे ना किसी ससुरे की फोटो छापनी, ना मुझे किसी ससुरे के नंबर छापने, ना मुझे किसी ससुरे की रैंक छापनी। ठीक है, तो मैं क्यों नंबर के लिए पढ़ाऊं, मैं केवल मौज के लिए पढ़ाता हूँ। सीखने के लिए पढ़ो, मौज आएगी। लेकिन अब सारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते, बहुत सा बच्चा बेचारा जबरदस्ती में पढ़ता है। देखो नौकरी भी चाहिए हमें, नंबर भी चाहिए, ठीक है सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर पढ़ने के पहला पहली प्रायोरिटी सीखना बनाओगे ना, तो ये सब मिलेंगे। अगर पहली प्रायोरिटी सीखना नहीं बनाओगे, पहली प्रायोरिटी बनाओगे नंबर, नौकरी, दहेज, तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है जो केवल पढ़ने पे टूट पड़े उनके नंबर नहीं आते, उन्हीं के आते हैं और उन्हीं की नौकरी लगती है। बाकी करते हैं तैयारी, बाकी कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, और वो जो होते हैं वो नौकरी लेते हैं, तो कहानी है। तो मैं हमेशा उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे लिए एनकरेजमेंट बने, जो मतलब मेरे लिए एनकरेज का सोर्स बने, और जिनके लिए मैं बनूं, मुट्ठी भर लोग। और खास करके उस उम्र में आते आते जब तक वो कॉलेज देख आया, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो देख कर आया फिर वो नानी बन गया, कॉलेज लाइफ जो देख आया ना फिर वो नानी बन गया, फिर वो बच्चा कम ही रहा, तो इस उम्र में उसको कैसे सुधारोगे। तो फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि सीखना बड़ा अच्छा काम है, सीखने सिखाने से अच्छा दुनिया में कोई भी दूसरा काम नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों मजबूरी में सीखना चाहते हैं, वो इसलिए सीखना चाहते हैं उनको नंबर चाहिए, नौकरी चाहिए। वो सब मिलेगा भैया, नंबर भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, अच्छी शादी भी होगी, अच्छी पोस्ट भी मिलेगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे इस काम को लाओ, तब सब कुछ होगा। पहली प्रायोरिटी पे तुम्हारी बदतमीजी, तो फिर कैसे सीखोगे। ठहराओ, अब जैसे हमने लिखा बींग वेरी लेट द मिस देयर ट्रेन, ठीक है, अब ये लोग जो है लेट हो गए, उनकी ट्रेन मिस हो गई, तो ये जो बींग वेरी लेट हमने फ्रेज यूज किया ना, ये इन्हीं को रेफर कर रही है, क्योंकि यही लेट हुए तभी इनकी ट्रेन छूट गई। तो अगर ये फ्रेज इस दे को रेफर करने के लिए है, और ये दे इनका सब्जेक्ट और रेफरेंस भी है, तो ये लो सेंटेंस सही हो गया। फिर हमने लिखा बींग वेरी लेट दे कॉल्ड इट अ डे, कि उन्होंने काम बंद कर दिया। कॉल्ड इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप प्रोसीडिंग्स, काम बंद करके घर चले जाना, मतलब चले जाना है, नहीं चले जाना, लेकिन काम बंद कर देना। तो ये जो बींग वेरी लेट अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये इन दे को नहीं रेफर कर रहा होगा, क्योंकि ये लोग पहले से ही काम कर रहे थे, तो इसका मतलब ये टाइम को रेफर कर रहा। अगर ये बींग वेरी लेट टाइम को रेफर कर रहा था, यहाँ पे इट लिख दो, इट बींग वेरी लेट दे कॉल्ड इट अ डे, क्या हो बेरा। हाँ टेंथ देखो, वाइल ब्रेकिंग इनटू द शॉप द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। अब जैसे हमने ये लिख दिया वाइल ब्रेकिंग इन टू द शॉप द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ,
अब देखो ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंधमारी वगैरह करना, चोरी के पर्पज से कहीं पे एंट्री करना। अभी जो वाइल्ड ब्रेकिंग इनटू द शॉप हमने लिख दिया ना पार्सल, इस पार्सल का सब्जेक्ट और रेफरेंस पुलिसमैन नहीं थीफ है, हमने पुलिसमैन को बना के लिख दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिसमैन चोरी करने के लिए किसी दुकान में जा रहा हो, ठीक है ये गलत हो गया। अब इसको सही करने का एक तरीका तो हम लिख दें वाइल ही वॉज ब्रेकिंग इनटू द शॉप, लेकिन अगर ही लिख देंगे तो भी ये पता नहीं चल पाएगा कि वो ही प्रोनाउन पुलिसमैन के लिए या थीफ के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ही लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो या तो लिखना वाइल द थीफ वॉज ब्रेकिंग इनटू द शॉप ऐसे लिखना, या फिर इसको पैसिव बनाना, तो लिखो द थीफ वॉज अरेस्टेड। अच्छा द थीफ वॉज अरेस्टेड लिख दोगे फिर उसके बाद में बाय द पुलिसमैन लिखना कंपलसरी नहीं रहेगा, उसको चाहो तो अपना छोड़ देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इतना नोन होता है कि हमेशा अरेस्ट पुलिसमैन ही करता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे वाइल ब्रेकिंग इनटू द शॉप द थीफ वाज अरेस्टेड। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए ना, इनसे हमें ये सीखना था एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जब भी कोई पार्टिसिपल यूज करोगे तो उसके लिए हमेशा एक लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लिखना, जिससे ये पता चल पाए वो किसे रेफर करने के लिए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बस यही यूजेस आते हैं। अगला लिखो परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो पार्टिसिपल सारे ही एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो ये भी लास्ट वाले भी ये भी एडजेक्टिव का ही काम करता है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव का काम करता है पास्ट पार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, एक एग्जांपल से समझना। हैविंग डन द वर्क ही वेंट होम, हैविंग डन द वर्क ही वेंट होम। अब देखो यहाँ पे हमने एक सिंपल सेंटेंस लिखा ही वेंट होम, ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट होम प्रेडिकेट हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो उस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा हमने यहाँ पे एक फ्रेज भी लिख रखी है हैविंग डन द वर्क। अभी जो फ्रेज लिख रखी है इसमें वर्ब भी यूज कर रखी हैविंग डन, मेन वर्ब तो खैर ये होने से रही है, ये जेरंड भी नहीं, तो अगर ये जेरंड भी है नहीं मेन वर्ब भी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि पार्टिसिपल है, किसी का रेफरेंस है, मतलब किसी का डिस्क्रिप्शन है। ध्यान से देखें तो ये डिस्क्रिप्शन इस ही का है कि ही जो है उसने काम पूरा कर लिया उसके बाद में अपना घर चला गया, तो अगर ये फ्रेज उस ही को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। वर्ब की फॉर्म से अगर एडजेक्टिव का काम करें तो इन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होने की वजह से हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का हम यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल्स का भी यूज करते हैं, ये कंप्लीशन शो करते हैं, बस ये ध्यान रखना। अब इसको जरा हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, व्हाइल डूइंग द वर्क ही फेल अस्लीप, व्हाइल डूइंग द वर्क ही फेल अस्लीप। अब देखो यहां भी हमने ही सब्जेक्ट लिखा, फेल अस्लीप उसका प्रेडिकेट लिखा, उसके बाद में एक फ्रेज लिख दिया वाइल डूइंग द वर्क। अच्छा इस फ्रेज में जो वर्ब यूज किया ना वो हमें पता करना है कि मेन वर्ब तो है नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरंड हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का मतलब ये नाउन नहीं है, अगर ये नाउन होता तो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट होता, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा ये फ्रेज जो हमने लिखे ना ये फ्रेजेस ही को डिस्क्राइब करने के लिए, ही प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन है तो फिर ये एडजेक्टिव है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब देखो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसकी एक वजह तो हो गई फॉर्म इसकी, इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, एक डिफरेंस तो इनकी फॉर्म हो गई, दूसरा डिफरेंस इनका फंक्शन हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो नॉन फाइनाइट फॉर्म में जो कि कंप्लीट स्टेट का है, लेकिन अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो नॉन फाइनाइट फॉर्म में जो इनकम्प्लीट स्टेट का है तो फिर हमें उसके लिए यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंह कंप्लीशन, अब परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीशन शो कर दें। अब देखो इनका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय वो पर्सन सो गया ना, उस समय ये काम करने वाला काम उसका इनकम्प्लीट था, मतलब ये काम हो रहा था तभी बीच में वो हो गया। लेकिन अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल लिख देंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि पहले ये काम हो गया उसके बाद में वो काम हुआ। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी अगर हम इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मेन वर्ब बना दें और ऐसे लिखें, ही वेंट होम व्हेन ही हैड डन द वर्क, ऐसे। और इसको अगर हम मेन वर्ब बनाए तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ही फेल अस्लीप व्हेन ही वॉज डूइंग द वर्क। तो जो हैविंग डन हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, जब हमने इसको मेन वर्ब बनाया तो इसके लिए हमें टेंस यूज करना पड़ा परफेक्ट। लेकिन जब हमने इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को मेन वर्ब बना के लिखा तो इसके लिए जो हमें टेंस यूज करना पड़ा वो करना पड़ा कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीशन शो करते हैं, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि वो एक्शन उस समय इनकम्प्लीट स्टेट में था जब दूसरा हुआ। अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया हो तो फिर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीशन, प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीशन शो करते हैं। अभी जो छोटी सी बात हमने डिस्कस की ना, इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखो। व्हाइल राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट, व्हाइल राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट। अब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, व्हाइल राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जिस समय इसने लेटर को पोस्ट किया उस समय उसका लिखने वाला काम जो था इनकम्प्लीट था। लेकिन हमें पता ऐसा हो नहीं सकता, ये एक्शन कंप्लीट होने के बाद वो एक्शन हो पाएगा। तो अगर इसके कंप्लीशन के बाद वो एक्शन होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल गलत लिख दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल लिखो हैविंग रिटन। तो इसको लिखो हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट। तो अगर कोई एक्शन हो गया हो उसके बाद में दूसरा काम हो तो लिखा करो परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर कोई एक्शन पहले से चल रहा हो और उसके बाद साथ ही दूसरा काम हो जाए तो लिखा करो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल से देखो, व्हाइल वेकिंग अप ही फाउंड हिज वॉलेट मिसिंग। अब हमने लिखा व्हाइल वेकिंग अप ही फाउंड हिज वॉलेट मिसिंग। अब कोई पर्सन जगा तो उसने देखा उसका वॉलेट ही गायब हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, ये जो उसने चीजें रियलाइज की हैं ये सब जगने के बाद में हुआ होगा, ठीक है। और वैसे भी जगना जो होता है वो क्विक एक्शन होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता। क्योंकि क्विक एक्शन होता है टाइम टेकिंग नहीं होता, तो जिस समय वो काम हुआ उससे पहले ये कंप्लीट हो ही गया होगा। अगर कंप्लीट ही हो गया होगा तो परफेक्ट फॉर्म हैविंग वॉकन अप, हैविंग वॉकन अप। तो अगर हमें यह शो करना हो कि वो काम जिसको हम नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिख रहे हैं वो हो चुका था, कंप्लीट स्टेट का था, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लिखो। इनकम्प्लीट स्टेट का रहा हो तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। तो हैविंग वर्कन अप ही फाउंड हिज वॉलेट मिसिंग। हालांकि यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कि हम इसको ऐसे लिख दें, आफ्टर राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट। अब देखो इसको जब हम आफ्टर राइटिंग द लेटर लिखेंगे तो होगा क्या, ये आफ्टर जो है ना ये प्रेपोजिशन है, राइटिंग द लेटर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब अब हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, अब हम इसे जेरेंड कहेंगे। तो हम इसी मीनिंग को जो परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू कन्वे करते हैं जेरेंड फॉर्म में भी कन्वे कर सकते हैं अगर हम जेरेंड के साथ में आफ्टर प्रेपोजिशन का यूज कर लें। आफ्टर राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट, इसी तरीके से इसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर वेकिंग अप ही फाउंड हिज वॉलेट मिसिंग। He found his wallet missing. तो या तो जेरेंड यूज करो आफ्टर के साथ में, और वैसे भी हमने पढ़ा कि जेरेंड जो होते हैं वो हो चुके इवेंट्स होते हैं। तो अगर कोई इवेंट हो चुका है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम उसको जेरेंड फॉर्म में लिख दें।
लेकिन जब जेरेंड यूज करोगे तो जेरेंड नाउन होता है, उसको ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए कोई प्रिपरेशन या मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी जिसका उसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हम आफ्टर प्रिपरेशन का यूज कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, दे लेफ्ट फॉर द टाउन इन द मॉर्निंग, रीचिंग देयर लेट इन द इवनिंग। अब देखो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, ये भी हमारा अभी सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है दे और एक इसकी मेन वर्ब है लेफ्ट। लेकिन देख रहे, एक वर्ब हमने और भी लिख रखी है, रीचिंग, एक क्या लिख दिया। अब वो जो हमने रीचिंग लिखी ना, वो मेन वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब वो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो जेरेंड तो हो नहीं सकती, क्योंकि जेरेंड होती तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अच्छा, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जिस समय ये काम हुआ उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक्शन है मॉर्निंग का, वो एक्शन है इवनिंग का, ये दोनों अलग अलग टाइम के एक्शन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज करते हैं जब हमें ये शो करना हो कि कोई एक एक्शन इनकम्प्लीट था उस समय जब कोई दूसरा एक्शन हुआ, लेकिन ये दोनों चूंकि अलग अलग टाइम के एक्शन है तो हम इनको पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो जैसे ये मेन वर्ब है वैसे इसे भी मेन वर्ब बना दो और इसको ऐसे लिखो, दे लेफ्ट फॉर द टाउन इन द मॉर्निंग एंड रीच देयर लेट इन द इवनिंग। अब जो हम एंड रीच लिख देंगे तो एक प्रेडिकेट वो हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो गया बस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी यूज क्या करो जब वो एक्शन इनकम्प्लीट हो, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हैविंग कॉट रेड हैंडेड ही हैड नो अदर ऑप्शन देन बेग पार्डन। Having caught red-handed, he had no other option than beg pardon. अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कोई पर्सन है उसको माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये काम पहले हो ही गया होगा तभी वो काम होगा, तो हमने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ठीक लिखा। ठीक है, बस दिक्कत थोड़ी सी हो गई कि जो हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस ही है, लेकिन वो जो ही इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस है उसका डूअर नहीं होगा। रंगे हाथ पकड़ने वाले पर्सन अलग होंगे, ये पर्सन जो है इसने रंगे हाथों पकड़ा नहीं होगा, इसे पकड़ा गया होगा। तो ये जो पार्टिसिपल है हमारा इसका मीनिंग पैसिव होना चाहिए। पैसिव बनाने के लिए इससे पहले बी की फॉर्म लिख दो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड ही हैड नो अदर ऑप्शन देन बेग पार्डन। इसको जगाना है ये हीरो, ये कुर्सी लगा के बैठा है, यूपी के हो, सुधरोगे तो सुधर कभी नहीं तुम्हारा। कौन नहीं यार सीखा, इतने लेक्चर देते थे तुम लोग सीखते नहीं हो कुछ क्या, तुम में शऊर की कमी है बेटा, जो इस उम्र में तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, शऊर सीख लो कहीं से। लैंग्वेज बहुत आसान है, लोग सीख जाते हैं इसको बिना टीचर और कोचिंग के भी। पता ही नहीं क्या माँ बाप ने पढ़ाया, क्या पिछले टीचर्स ने पढ़ाया, बैठने का शऊर क्लास में नहीं सिखा पाया है। सबसे बेटा करो भैया, क्लास में हो तुम, स्टूडेंट हो, ठीक है, वो अलग बात है। मुखर्जी नगर के कुछ टीचर्स ऐसा तुम्हें शो कराते होंगे, फील कराते होंगे कि तुम दमा दो। ठीक है, मुखर्जी नगर बड़ा माहौल खराब है ना यहाँ का, यहाँ बच्चों को ऐसा फील कराते हैं जैसे बच्चा नहीं एकदम से वो आ गया, क्या नाम, ग्राहक ही देवता वाला सीन, कि ग्राहक ही देवता है। ऐसा नहीं है, कान पे भी बजा दूंगा, देवता होता है यहाँ कोई नहीं होता। बैठने उठने का सबूर नहीं सिखाया, पढ़ गए खीसे निकाल रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कराए,
ठीक है, इंग्लिश नहीं सीख पाए, हमारी अपनी मातृभाषा नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, सीखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सऊर तो सिखा देना चाहिए था उन लोगों को, सऊर भी सिखाने से चूक गए। चलो खैर, परफेक्ट पार्टिसिपल, गद्दे बिछा दे बेचारों के लिए, हैं तकिया वकिया गोल वाले दे दे इन्हें, लेट जाओ थक जाओ तो लेट के पढ़ लो, हैं मेहनत तुमसे होती नहीं, हाथ तुम्हारे थक जाते हैं लिखते हुए, और तुम यहाँ पे झंडे गाड़ने मुखर्जी नगर आ गए मुंह उठा के। अब तुम किसको गोली दे रहे हो, खुद को दे रहे हो कि मुझे गोली दे रहे हो? ठीक है, कुछ पकड़ में ही नहीं आ रही बात, सीधे बैठा नहीं जाता 2 मिनट 2 घंटे तुमसे, हैं आए हो तैयारी करने। इंडिया में बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ पे भगवान मिल जाएंगे आदमी को एक बार में, नौकरी मुश्किल से मिलती है, उसमें तुम्हारे डेडिकेशन का लेवल ये है, पढ़ा हुआ तुमसे कुछ पूछो आता नहीं। ठीक है, क्लास में टाइम से आ नहीं सकते, लेट आओगे, क्या बे? गिरा के मारूंगा समझा, तो लिखवा दिया तो क्या हो गया बे, है तो क्या हो गया, हिले हुए कट गई, एक से एक बोर्डम ससुर भरे पड़े हैं। कई बार मन करता है ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ दूं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं जाके, बढ़िया से स्टार्टअप। ठीक है, फिर सोचता हूँ थोड़ा सा पैसा और कमा लो। ठीक है, और क्या, इसी चक्कर में बर्दाश्त करता हूँ तो कान पे मार के भगा दूँ। ठीक है, हाँ नहीं तो इसके जैसे मूर्ख मेरे यहाँ पढ़ने थोड़ी आए, लेकिन अब फिर सोचता हूँ चलो थोड़ी लेवरेज दे दे यार, पैसा कमाना है भी थोड़े दिन, बाद में अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा बढ़िया कोई, ये है। तेरे को बता दूं मैं, ले लू मेरे दिमाग में दुनिया भर के काम है। यहाँ देखो, तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल हम लिखते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। अगर कभी पैसिव मीनिंग चाहिए हो तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना, ये पैसिव होता है ये एक्टिव होता है। एक और एग्जांपल देखो, हैविंग डिस्टर्ब्ड बाय द चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन लेफ्ट द पार्क। हैविंग डिस्टर्ब्ड बाई द चिल्ड्रन द ओल्ड मैन लेफ्ट द पार्क। अब देखो किसी पेपर में वो क्वेश्चन है, और ये कंपेटिवली ज्यादा आसान है। यहाँ पे जो हमने पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया है हैविंग डिस्टर्ब्ड, इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है वो ओल्ड मैन है, उसको रेफर करने के लिए हमने इसका यूज किया है, लेकिन डूअर हम देख रहे हैं चिल्ड्रन है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ओल्ड मैन है, डूअर चिल्ड्रन है, तो ऐसे बदल के पैसिव मीनिंग लिखना पड़ेगा, तो बीन लिख दो। तो अगर कभी हम किसी पार्टिसिपल का यूज करें किसी ऐसे सब्जेक्ट और रेफरेंस के लिए जो कि उस वर्ब का डूअर ना हो, डूअर कोई और हो, तो उस सिचुएशन में पैसिव मीनिंग लिखना पड़ेगा, तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो, ये मीनिंग पैसिव होता है। एक और एग्जांपल से देखो, Having been taught the lesson, the teacher went. Having taught the lesson, स्टूडेंट्स वेंट। हैविंग बीन टॉट द लेसन द टीचर वेंट, हैविंग टॉट द लेसन द स्टूडेंट्स वेंट। अब देखो ये जो हमने लिखा हैविंग टॉट द लेसन,
ये हमारे एक्टिव फॉर्मों का पार्टिसिपल है और ये पैसिव है। लेकिन अगर हम इनके सब्जेक्ट और रेफरेंस देखें तो इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है वो है टीचर, इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स। और हमें पता है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर के डूअर नहीं होते, डूअर होता कोई और। अगर ये डूअर नहीं होते कोई और होता तो यहाँ पे पैसिव लिखो, हैविंग बीन टॉट। अच्छा, वो जो हमने टीचर लिखा वो टीचर इस वर्ब के लिए डूअर है, तो अगर टीचर डूअर है कोई और डूअर नहीं है तब तो फिर एक्टिव लिखो। तो अगर हम पार्टिसिपल का यूज करें किसी ऐसे सब्जेक्ट और रेफरेंस के लिए जो कि उस वर्ब का जैसे हम पार्टिसिपल बना रहे हैं डूअर हो, तब तो एक्टिव फॉर्म का पार्टिसिपल लिखा करो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव लिखा करो। एट्थ एग्जाम्पल देखो, द सन हैविंग बीन रिजन ही वेंट टू द सिटी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने क्या किया इस बार कि जो हमारी मेन वर्ब है वेंट उसका सब्जेक्ट लिखा ही, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैविंग बीन रिजन उसका सब्जेक्ट लिखा द सन। तो इस बार हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का मेन वर्ब का सब्जेक्ट अलग अलग कर दिया। इससे पहले क्या था कि जो हमारी मेन वर्ब थी और उसका नॉन फाइनाइट वर्ब थी दोनों का सब्जेक्ट कॉमन था, यही दोनों का ही सब्जेक्ट था। उसी तरीके से ओल्ड मैन भी दोनों का ही सब्जेक्ट था, लेफ्ट का भी और इसका भी। उसी तरीके से वो स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं वो भी दोनों ही वर्ब के सब्जेक्ट हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के भी और फाइनाइट वर्ब के भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने सब्जेक्ट अलग अलग लिख दिए। ही जो है वो वेंट का सब्जेक्ट है और हैविंग बीन रिजन का सब्जेक्ट जो है सन है। अब हमें पता है कि सन जो है वो खुद राइज करता है, कोई और नहीं उसको राइज करता, तो ये पैसिव मीनिंग गलत हो गया। दूसरा, हमने मेन वर्ब में पढ़ा भी था कि राइज वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, जो वर्ब इंट्रांसिटिव होते हैं उनके कभी पैसिव नहीं बनते, तो हैविंग बीन रीजन से इसको हैविंग रीजन लिख दो। तो जो वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं उनके कभी पैसिव मत बनाया करो, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में लिखा करो। तो इसको हैविंग बीन रीजन की जगह लिखो हैविंग रीजन। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, हैविंग ब्रोकन डाउन हैविंग ब्रोकन डाउन ही सेंट द कार टू द गैरेज। तेरे को क्या दुख हो गया था, वो बीच में क्या चिल्लाने लग गया था, परफेक्ट पार्टिसिपल ही वो भी था। वो तो हिला हुआ है, वो बच्चा है अभी। हैविंग ब्रोकन डाउन ही सेंट द कार टू द गैरेज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैविंग ब्रोकन डाउन हमने एक पार्टिसिपल लिखा, और इस पार्टिसिपल का हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस जो लिखा वो ही है। अच्छा, ब्रेक डाउन जो वर्ब होती है इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, पैसिव इसे बना नहीं सकते क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, हैपनिंग होती है। ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना होता है, ये हैपनिंग वर्ब है। अब चूंकि ये वर्ब हैपनिंग है तो इसका पैसिव तो बनने से रहा, ठीक है। सब्जेक्ट और रेफरेंस जो हमने लिख दिया वो गलत है। ये जो ब्रेकिंग डाउन वर्ब यूज हो रही है ना, ये इस कार के लिए यूज हो रही है ना कि इसी के लिए। तो हमारे पास इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम उस कार को इसके साथ में सब्जेक्ट और रेफरेंस बना के लिखें द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, या फिर हमें जब पता है कि ये जो हमने पार्टिसिपल यूज किया वो इस सब्जेक्ट को नहीं इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो वॉइस चेंज करके, द कार वॉज सेंट बाई हिम, द कार वॉज सेंट बाई हिम। तो जब हम द कार को सब्जेक्ट बना देंगे ना तो ये पार्टिसिपल उसी को रेफर करने लग जाएगा और ये लो मीनिंग सही हो गया। हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वॉज सेंट बाई हिम। तो ब्रेक डाउन इन ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव बनेगा नहीं, और वो जो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस ही लिख रखा वो गलत है क्योंकि जो खराब हुआ है वो कार है ना कि पर्सन, तो कार को सब्जेक्ट और रेफरेंस बना के लिख दो, सही हो गया। 10th क्वेश्चन देखो, हैविंग रिटन इन इंग्लिश ही कुड नॉट रीड द मैसेज, मैसेज या लेटर, लेटर लिख दो। अब जैसे हमने लिखा हैविंग रिटन इन इंग्लिश लिखना, हैविंग रिटन इन इंग्लिश अब देखो ये जो हमने पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया ना हैविंग रिटन इन इंग्लिश,
इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस हमने ही लिखा। अब अगर ये ही इसका डूअर हो तो ये सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता ही डूअर हो नहीं सकता क्योंकि ये रीडर है, वो रीड करने वाला पर्सन है, राइट करने वाला पर्सन कोई और होगा। तो अगर कोई और होगा तो हमें इसे पैसिव बना देना चाहिए, लेकिन अगर हम पैसिव बना देंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम पैसिव बना देंगे तब ये पार्टिसिपल फ्रेज रेफर करेगी ही को। ही जो है वो ना तो राइट वर्ब का सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको पैसिव बना देंगे तब भी गलत है, और जो लिखा हुआ वो तो गलत है ही है। तो इस सेंटेंस को देखो, सही करने का हमारे पास तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस हैविंग रिटन इन इंग्लिश का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बना दो लेटर को, क्योंकि जो लेटर है ना वो इस राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो उसको सो हम रिलेट कर सकते हैं इस वर्ब से, लेकिन इस ही को नहीं कर सकते, क्योंकि ही जो है ना तो वो इस वर्ब का डूअर है, मतलब ना ही सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। तो एक तरीका तो इसको सही करने का ही है कि लिखो हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश, ये जो हमारी फ्रेज है पार्टिसिपल, इसको लेटर के लिए यूज करो, हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश। ठीक है, इसको पैसिव बना दो और लेटर को सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बना दो, द लेटर कुडंट बी रेड बाई हिम, द लेटर कुड नॉट बी रेड बाई हिम, एक तरीका तो ये सही। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि ही को वैसे ही लिखा रहने दो, लेटर को यहां पे लिख लो, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बना के लिख दो, द लेटर हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश, द लेटर हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश, ही कुड नॉट रीड इट, ही कुड नॉट रीड इट। तो इन दोनों में से किसी एक तरीके से इसे सही कर लो, या तो नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ उसका सब्जेक्ट और रेफरेंस लिख दो, लेटर को हैविंग बीन रिटन के साथ ही लिख दो, द लेटर हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश ही कुडंट रीड इट, या लिख दो हैविंग बीन रिटन इन इंग्लिश द लेटर कुडंट बी रेड बाय हिम। देखो टाइम तो बच ही गया, पास्ट पार्टिसिपल भी अपना खींच ही देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स अब देखो, जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, ये भी एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, सारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एक एग्जांपल से समझना कि कैसे एडजेक्टिव काम करते हैं। द मैन ट्रैप्ड लॉस्ट हिज होप, नो बडी नोटिस्ड द ब्रोकन चेयर। अब देखो, जैसे दो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, द मैन ट्रैप्ड लॉस्ट हिज होप, तो इस सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा प्रेडिकेट है ना वो लॉस्ट हिज होप है। अच्छा, लॉस्ट हिज होप जो प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट जो है वो द मैन है, द मैन लॉस्ट हिज होप, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ये बताने के लिए हमने लिख दिया ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब जो फंस गया, ठीक है वो। तो ये जो ट्रैप्ड हमने वर्ड यूज किया ना, ये मेन वर्ब नहीं है, ये इस मैन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल। सो द मैन ट्रैप्ड लॉस्ट हिज होप। नेक्स्ट में जाओ, नो बडी नोटिस्ड, व्हाट डिड नो बडी नोटिस, चेयर। अब व्हाट काइंड ऑफ चेयर, ये बताने के लिए हमने लिख दिया ब्रोकन, तो ये ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं नाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्हें हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल बेस्ड दो तीन छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने पहले से ही कभी ना कभी डिस्कस कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए लिख लेते हैं।
इट वॉज अ वेरी एम्बरेस्ड सिचुएशन। दूसरा, द शार्पन पेंसिल इंजर्ड द चाइल्ड। लॉस्ट इन हिज थॉट्स Lost in his thoughts, nothing seemed meaningful to him. Fourth, the door was opened even at that late an hour in the night. Fifth, my friend shocked when he heard the news. अब देखो ये सेंटेंस ही करो। ये सारे डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले देखो, इट वॉज अ वेरी एम्बरेस सिचुएशन। ये जो हमने एम्बरेस लिखा ना, पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, ये हमने पहले ही पढ़ा होगा कि पास्ट पार्टिसिपल्स का जब हम यूज करते हैं किसी नाउन के साथ में, तो वो नाउन उसका डूअर नहीं बल्कि कोई और होता है। कोई और के डूअर होने का मतलब ये मीनिंग पैसिव होता है। अगर हम एम्बरेस सिचुएशन लिख देंगे ना, तो इसका मतलब सिचुएशन वो किसी ने एम्बरेस कर दिया, लेकिन हमें पता ऐसा होता नहीं है। एम्बरेस सिचुएशन नहीं की जाती, मतलब सिचुएशन कोई एम्बरेस नहीं करता, सिचुएशन एम्बरेस कर देती लोगों कई बार। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। अगर हमें कभी यूज करना हो वर्ब को किसी ऐसे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो उस वर्ब का, जिसे हम पार्टिसिपल बना के लिख रहे हैं, डूअर हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वो नाउन उस वर्ब का जिसे हम पार्टिसिपल बना के उसके साथ लिख रहे हैं डूअर ना हो बल्कि कोई और हो, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल। अब हमें पता है जो सिचुएशन है ना, ये डूअर है, यही एम्बरेस करती है लोगों को, लोग एम्बरेस नहीं करते सिचुएशन को। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा था शार्पन पेंसिल एंजॉयड द चाइल्ड। अभी जो हमने शार्पन यहाँ पे लिखा है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। शार्प एक एडजेक्टिव होता है। जब हम इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाएंगे, तो ये जो शार्पन होगा ना, उसकी बेस फॉर्म होगी। लेकिन हमें पता है कि बेस फॉर्म एडजेक्टिव काम कर नहीं सकती। एडजेक्टिव काम या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, या तो आईएनजी फॉर्म शार्पनिंग, या थर्ड फॉर्म शार्पन्ड। अब हम देख रहे हैं वो जो पेंसिल नाउन है जिसको हमें डिस्क्राइब करना है,
वो डूअर तो है नहीं शार्प के लिए, तो अगर डूअर नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा नहीं, तो पास्ट पार्टिसिपल लिखो शार्पन्ड। तो अगर हम कभी किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाए, मतलब किसी अगर हम नाउन को या एडजेक्टिव को वर्ब बनाए, तो जो एन एन लिखा होता है वो उसकी बेस फॉर्म होती है। शार्प वर्ड एडजेक्टिव होता है, इसको वर्ब बनाओगे तो जो शार्पन लिखा जाएगा वो बेस फॉर्म होगी। अब उसकी या तो आईएनजी फॉर्म को या थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिखो। अगर नाउन डूअर हो तो शार्पनिंग लिखो, अगर नाउन नहीं कोई और डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो। अब पास्ट पार्टिसिपल लिखो। अब हमें पता है कि जो नाउन हमने पेंसिल लिख रखा है ना, पेंसिल शार्प नहीं करती, पेंसिल को शार्प किया जाता है, तो पैसिव मीनिंग के लिए यहाँ पे शार्पन लिख दो। फिर हमने यहाँ पे एक फ्रेज यूज की, लॉस्ट इन हिज थॉट्स। अब हम देख रहे हैं जो हमने पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया, इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस जो है वो ये नथिंग है, लेकिन ये लॉस्ट इन हिज थॉट्स जो फ्रेज है ना, ये नथिंग को नहीं रेफर कर रही है, रेफर कर रही है हिम को। तो हमने सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत लिख दिया। अब या तो हम ही को सब्जेक्ट बना के लिखें, ठीक है, या सब्जेक्ट बना नहीं पाओगे क्योंकि सेम लिंकिंग वर्ब उसका पैसिव बनता नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और रेफरेंस इसके साथ टैग करके लिखो। तो इसको लिखो ही लॉस्ट इन हिज थॉट्स, नथिंग सीम्ड मीनिंगफुल टू हिम। तो जब भी कोई पार्टिसिपल यूज करते हैं तो उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस उसके साथ जरूर लिखा करो, जिससे ये पता चले वो किसे रेफर करने के लिए। ये जो लॉस्ट इन हिज थॉट्स हमने फ्रेज लिखे ना, नथिंग को नहीं, हिम को रेफर करने के लिए, तो इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत हो गया। फिर हमने लिखा था डोर वॉज ओपन इवन एट दैट लेट आर इन द नाइट। अब देखो ये जो शार्प है ये भी एडजेक्टिव है, और अगर हम इसे शार्पन्ड लिख दें तो भी एडजेक्टिव है, मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, दे डिस्क्राइब स्टेट, वो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो मेड अप स्टेट डिस्क्राइब करते हैं। मेड अप स्टेट का मतलब स्टेट कॉज्ड बाय सम एक्शन। तो अगर किसी एक्शन का रेफरेंस हो या एक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो तब लिखा करो पास्ट पार्टिसिपल, अगर कोई एक्शन इन्वॉल्व ना हो, सिंपली स्टेट डिस्क्राइब करनी हो तो लिखा करो एडजेक्टिव्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने लिखा था डोर वॉज ओपन इवन एट दैट लेट आर इन द नाइट, तो ये डोर की स्टेट है कि उतने रात को भी दरवाजा खुला हुआ था जब नहीं खुला होना चाहिए। तो मतलब हम एक्शन को नहीं स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ओपन लिखो। फिर हमने लिखा माई फ्रेंड शॉक्ड वेन ही हर्ड द न्यूज। अभी जो शॉक वर्ब हमने लिखी ना, डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और इसका मतलब शॉक करना होता, होना नहीं होता। अगर हम ये लिख दें माई फ्रेंड शॉक्ड, तो इसका मतलब फ्रेंड ने किसी को शॉक कर दिया। अगर किसी ने इसको ने इसने किसी को शॉक कर दिया, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा कि किसको शॉक कर दिया। सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है इसने शॉक किया नहीं बल्कि हो गया। अगर ये शॉक हो गया है तो इसको वर्ब नहीं, इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना दो, इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख के। तो इसको लिख दो माई फ्रेंड गॉट शॉक। तो ये सारे हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं फाइनाइट वर्ब के क्लास में, वहीं से अपना रिवाइज कर लेना अगर लगे जरूरी है सीखना तो। बाकी आज के लिए बाय, नॉन फाइनाइट वर्ब अपना खत्म हुआ।